अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बना रही हूँ आज चॉकलेट केक। 24 दिसंबर मेरी सिस्टर की बर्थडे है, तो मैं उसके लिए केक बना रही थी। मैंने लिए थे 3 eggs, ऑयल है, मिल्क है, और पैकेट वाला जो है वो मैं मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है वो इसका फ्लेवर जो है वो केक का बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने जो है वो 2.5 cup जो है वो चॉकलेट सॉरी जो पाउडर था मैंने वो यूज़ किया था मिक्सचर। और फिर मैंने इसमें जो है 1 cup जितना जो है ऑयल ऐड किया था। 3 eggs मैंने ले ली, और जो है जो ये छोटा सा जो शेफ़ है रुहाब शेफ़, ये मेरे साथ जब भी मैं केक बनाती हूँ ना, ये मेरे साथ जो है वो आ जाती है और अपनी चेयर लेकर आएगी और साथ जो है उसको मिक्स करेगी, ठहर के मेरे साथ करेगी कि मुझे नहीं मिक्स करने देगी। तो मैं बस चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट्स में डालती जाऊँगी और रुहाब जो है उसको मिक्स करती जाएगी। तो जितनी देर उसने मिक्स किया उसके बाद फिर मैंने उसे ले लिया कि जब वो उसमें लम्स ज़्यादा हो जाएंगे अगर ज़्यादा देर तक पाउडर ऐसे ही रह जाएगा। और क्योंकि इधर से मैं अवन को भी जो है वो मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, तो इसलिए मैंने कहा काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो खैर मैं उसे लेके जल्दी जल्दी से मैंने उसको मिक्स किया, अच्छे से मैंने उसको मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद जो है फिर मैं जो है उसमें जस्ट मैंने इसको सांचे में डाल दूंगी और बेक करने के लिए रख दिया था। तो मेरी सिस्टर्स वगैरह की जब भी बर्थडे होती है ना, तो मैं उनके लिए केक लाजमी बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक खुशी सी मुझे फील होती है बहुत, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं उनके साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैं ख़ुद को जो है अकेला फील नहीं करती बिल्कुल भी। तो केक जो है वो मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। 45 मिनट्स में केक जो है वो रेडी था। तो आप देखें कितना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी से केक बना था। अब मैंने क्या करना है कि इसका जो है वो मैं इसकी 2 layers में कट कर लूँगी, और क्योंकि बहुत बड़ा केक नहीं है, मैं जस्ट मीडियम बना रही थी। तो मैं इसको पहले जो है हल्का सा मिल्क लगा लूँगी। इससे ये है कि केक आपका टू मच सॉफ्ट बनता है। तो अब इसकी जो आइसिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम, और साथ मेरे पास है जो है यहाँ पर ये लाविडा का चॉकलेट स्प्रेड, डार्क चॉकलेट स्प्रेड है। तो ये मैं इसको जो है 2 tablespoons जो है वो 2 big spoons जो है वो मैं ये स्प्रेड लूँगी, और इसमें मैं जो है वो क्रीम मिक्स कर दूँगी। और आप देखें कि कितना थिक है ये, क्योंकि काफ़ी देर पहले जो है वो मैंने उसको फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और मुझे लग रहा था कि वो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन वो मेल्ट नहीं हुआ। वो जैसे उसकी कंडीशन थी वो वैसे ही रहा। खैर मैंने यहाँ पर जो है 2 spoons चॉकलेट के लिए थे, चॉकलेट स्प्रेड के, डार्क चॉकलेट स्प्रेड लाविडा का, और साथ जो है मैं उसमें अब जो क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी क्रीम इसमें ऐड करती गई थी और उसको मैं मिक्स करती गई थी, और क्योंकि मुझे टू मच थिक लेयर नहीं देनी थी और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा पतली लेयर देनी थी कि वो केक के अंदर चली जाए, लेकिन जो है थोड़ी सी वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी। और जो वो एब्जॉर्ब हुई चॉकलेट बाद में हमने केक कट किया और मेल्ट हो रही थी ना, वो ओ माय गॉड वो इतनी मज़े की लग रही थी हद से भी ज़्यादा। तो जनाब यहाँ पर मिक्सचर जो है वो यहाँ पर मेरा रेडी है, ये देखें ये इस तरह से इसकी जो है कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो जितने वो मेरे पास 1/2 packet जो है वो चॉकलेट इसका क्रीम का था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, ना मैंने इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट ऐड की है, ना मैंने इसमें कोई कोको पाउडर ऐड किया है, नथिंग, कुछ भी नहीं। मैंने कोई ब्लेंडर वगैरह यूज़ नहीं किया, कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने इसको स्पून से जो है वो अच्छे से बीट कर लिया था। अच्छे से बीट करने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी थी और फिर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं केक पर जो है वो लेयर दे दी थी, जस्ट मैंने 1 layer केक की दी थी और बाकी जो मेरे पास मिक्सचर रखा हुआ था वो कम्प्लीट मैंने उसे केक को जो है वो कवर कर दिया था। बहुत ही मज़े का और बहुत ही यमी सा जो है वो केक बना था। तो मैं जब भी चॉकलेट केक बनाती हूँ ना, तो प्लेट के जो है वो चारों तरफ से चॉकलेट लग जाती है, क्योंकि जब आप चॉकलेट केक बना रहे होते हैं तो वो उसको चॉकलेट लग जाती है। और देखें कि कितना मज़े का केक बना था। और यहाँ पर जो है मैं और रुहाब जो है वो अपनी सिस्टर की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिनिश।
रुहाब को था कि बैलून, क्योंकि हर बर्थडे पर जो है बैलून्स वगैरह से डेकोरेशन करते हैं, तो उसको था कि बैलून जो है वो ऊपर लगाएं, और खाला की बर्थडे है तो बैलून आपने नीचे क्यों फेंके हुए हैं, नीचे मैंने ऐसे ही जो है ना बैलून बना के मैंने नीचे डाल दिए थे, तो केक जो है वो आप देखिए कि कितनी ज़बरदस्त जो है ना मेल्ट हुई हुई चॉकलेट उसमें से निकली, और टू मच सॉफ्ट टू मच डिलीशियस जो है वो केक बना था बहुत ज़्यादा। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मेमुना। तो फिर जो है शाम में मैंने बनाए थे चिकन करेले। तो करेले का ये है कि जनाब करेले, मेरी मम्मा कहती हैं कि करेलों का जो छिलका होता है ना वो बहुत ज़्यादा, टू मच आप पील ऑफ मत करें, उससे जो है करेले जो है वो टेस्टलेस हो जाते हैं, जो करेलों की एक गिज़ायत होती है ना वो उसके छिलके में ही होती है, तो उसको रिमूव नहीं करना चाहिए। तो खैर यहाँ पर मेरे पास, मैंने 3 बिग साइज़ के जो है अनियन ले लिए थे, टमाटो पेस्ट है, और यहाँ मेरे पास जो है मैंने करेलों को, और करेलों को जो है वो मैंने नमक और आटा लगा के रख दिया था, और अब मैं जो है प्याज फ्राई कर रही थी, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके थे, मैंने इसमें सारे टमाटर ऐड कर दिए थे, और साथ सारे स्पाइसेस ऐड करके मैंने चिकन ऐड कर दिया था, 1.5 किलो जितना चिकन है मेरे पास। तो थोड़ा मैं ज़्यादा बना रही थी क्योंकि एक राशिद के एक फ्रेंड थे, उनको भी जो है वो राशिद ने कहा दे देंगे, तो मैंने कहा चलें सही है थोड़ा मैं ज़्यादा बना दूँगी। तो अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने करेलों को, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए मैंने रखा ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसको जस्ट थोड़े से ऑयल में जो है वो मैंने इसको फ्राई किया था, टू मच ऑयल में मैं फ्राई नहीं करती, और फ्राई भी मैं मतलब उसमें मैंने इसको जो है वो ऑलिव ऑयल में ही किया था, क्योंकि सालन में मैंने ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया था, और इसी का ऑयल जो था वो मैंने सालन में डाल दिया था। तो यहाँ पर जो है वो चिकन भी रेडी है, तो जस्ट करेले जो है फ्राई करके मैंने वो भी डाल दिए थे, प्याज भी मैं ऐसे जो है वो कट करके, उनको मैंने फ्राई नहीं किया प्याज़ों को, तो वो भी मैंने ऐसे ही कच्चे प्याज ही डाल दिए थे। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी हाई फ्लेम पर, भूनने के बाद जो है फिर मैं इसे जस्ट 10-15 मिनट्स के लिए जो है वो दम पे रख दूँगी, जिसमें यह है कि थोड़े से जो प्याज हैं वो भी गल जाएंगे, और जो थोड़े से करेले थोड़े से माइनर से कच्चे होते हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो खाना रेडी है, देखें जनाब ये एक बाउल जो है वो मैंने बनाया था अपने उनके फ्रेंड के लिए, और एक जो है वो अपने घर के लिए है। तो हमने मज़े से जो है जनाब वो चिकन करेले इंजॉय किए, चिकन करेले वैसे भी मुझे बहुत पसंद हैं और हस्बैंड भी बड़े शौक से खाते हैं। तो खाना शाना खाना भी साथ बाद में जब हस्बैंड आ गए थे मैंने खाना सर्व किया था। सैलेड में मैं जो है ग्रीन सैलेड लाजमी खाएं, जिसमें मेरे पास कैरेट है, सलाद पत्ता है, कुकम्बर है, और टोमेटो है, और साथ सालन, और छोटी सी जो है दही के साथ जो है फिर साथ रोटी। तो मैं मतलब लेती कम क्वांटिटी में हूँ, लेकिन थोड़ी उसको बढ़ा लेती हूँ। ग्रॉसरी करने चले गए थे पे शाम में हम लोग बिंदाउत पे, तो ग्रॉसरी में सारे फ्रूट्स लिए हैं, ऑयल लिए हैं, दूध लिया, योगर्ट ली, और कुछ स्पाइसेस वगैरह लिए थे, तो वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। तो स्ट्रॉबेरीज देखें कैसी मज़ेदार किस्म की, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, बड़ी बड़ी जो है वो स्ट्रॉबेरीज थी। ऑरेंज वगैरह लिए, आटा लिया था, और आपके लिए कुछ लेज़ वगैरह लिए थे, तो फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ जो है वो लेकर आए थे, और साथ सर्फ भी लिया था। तो एक ही बार ही ले लेते हैं हम लोग सर्फ, तो कभी 7 kg ले लेते हैं, कभी 9 kg ले लेते हैं, तो इससे कम जो है वो मैं नहीं लेती। तो शाम में फिर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, तो फिर हम लोग जो है बाहर चले गए थे घूमने फिरने के लिए, नहीं सॉरी शाम में नहीं, ये फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम है, 9-10 बजे सुबह, तो वेदर बहुत अच्छा था इसलिए हम लोग बाहर चले गए थे। ये मेरे घर की जो है वो आउटडोर है, मैं नीचे ठहरी हस्बैंड का वेट कर रही थी, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप मैं आ रहा हूँ तो आप नीचे आ जाएं, तो फिर हम लोग जो है बाहर चलते हैं। तो हम लोग सी पर आ गए थे, कॉर्निश पे आए थे, ओ माय गॉड इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ्राइडे से एक दिन दो दिन पहले बारिश हुई थी, और जिस दिन बारिश हुई उसके नेक्स्ट डे जो है काफ़ी गर्मी थी, ह्यूमिडिटी भी हो रही थी, लेकिन उससे नेक्स्ट डे जो है फिर तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, और आज दूसरा तीसरा दिन है वैसे ही उसी तरह ही ठंडी बर्फी तरह हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोग कॉर्निश पे गए तो उस बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी, और शुक्र हुआ कि जो है वो रुहाब की जैकेट जो है वो मेरे पास थी, क्योंकि उसको फिर ठंड लग जानी थी बहुत ज़्यादा। तो ये आपको थोड़ा व्यू दिखाते हैं कॉर्निश का, बिल्डिंग्स हैं, तो वेदर भी आप इंजॉय करें, और साथ साथ गपशप भी हो रही है, बातें भी हो रही हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है आगे सी भी दिखाएंगे, सी व्यू भी आप इंजॉय करें। ठंडी ठंडी हवा है, शोर तो आपको वैसे भी सुनाई दे रहा होगा लहरों का। रुहाब
जो है बहुत ज़्यादा ड्रेस कॉन्शियस है, उसको ये होता है कि मतलब अगर आपने उसको पैंट शर्ट पहनाई है तो आप उसके नीचे उसको ओपन शूज़ नहीं पहनाएं, उसको जॉगर पहनने हैं। अगर आप उसको फ्रॉक में पहना रही हो तो उसको होगा कि नहीं इसके नीचे मैंने अब जो है वो शॉर्ट्स पहननी है। तो उसने फ्रॉक पहना हुआ था, मैं जैकेट साथ लाई थी, तो मैंने कहा आप जैकेट पहन लें। तो उसने कहा इम्पॉसिबल मामा, फ्रॉक के ऊपर तो जैकेट कोई पहनता ही नहीं है, मैंने पहननी नहीं है। और उसने नहीं पहनी, वो सर्दी से कांप रही थी, तो लेकिन उसने जो है वो शी वॉज शिवरिंग बट शी कैन नॉट वेयर द जैकेट। और उसने कहा कि नहीं नो जैकेट नहीं पहननी। तो एक बार क्या हुआ, मैंने उसको पिंक शर्ट पहनाया, तो उसकी जो मैं नॉर्मली मैं उसकी पैंट उसके साथ मैचिंग की थी, उसके ऊपर पिंक कलर की डिज़ाइनिंग थी और ब्लू कलर की पैंट थी, वो पैंट मुझे उस एक दिन उस दिन नहीं मिली। तो मैंने उसको कहा कि आप दूसरी ब्लू पैंट पहन लो, तो वो नहीं, रो रही इतना कि हद से ज़्यादा कि नहीं ये तो उसके साथ मैच ही नहीं करती मम्मा, ये तो इसकी पैंट है ही नहीं। उसने ड्रेस चेंज किया और ड्रेस उसने कहा मुझे पहना दें आप, लेकिन ये शर्ट अगर आप पहना रही हैं ना तो इसके साथ वही पैंट ही पहनाएं जो उसकी है। अब ब्लू ड्रेस पहनेगी तो उसके साथ वैसे मैचिंग के शूज़ पहनेगी, अगर वाइट ड्रेस है तो उसने वाइट शूज़ पहनने हैं, वाइट सॉक्स पहननी है, कंप्लीट उसको ड्रेस अप करना। तो खैर माशाल्लाह ये इसकी आदत बहुत ज़्यादा अच्छी है और मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगती है, मैं खुद भी इस तरह से हूँ, मैं ड्रेस कॉन्शियस हूँ। तो ये था जनाब आज का ब्लॉग, आई होप कि वीडियोस को आप लोगों ने लाइक किया होगा, और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आप लोगों के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आप लोग बीच इंजॉय करें।